दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त भारत की सीक्रेट प्लानिंग के नाम से ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पुंछ में 5 जवानों के शहीद होने के बाद भी मोदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ना ही सुपरकोप अजीत डोभाल ने कुछ कहा है। बस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक हिंट दे दिया है कि आतंकियों के रहनुमा के साथ कोई रहम नहीं होगा। तो क्या भारत अब एक बार फिर से पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है? क्या भारत को आतंकियों के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की बैठ के कोई पुख्ता सबूत मिल चुके हैं? और क्या मोदी के दिमाग में सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत आगे का प्लान चल रहा है? क्यों पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग्स बुला रहे हैं? आखिर किस बात की रणनीति इस बार मोदी बना चुके हैं? पाकिस्तान ने अचानक क्यों सीमा पर जमावड़ा बढ़ा दिया है? क्यों पाकिस्तानी आर्मी चीफ अचानक भाग करके चीन चले गए हैं? तो दोस्तों क्या चल रहा है, भारत क्या करने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप बॉर्डर पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत और इजराइल मिलकर के कश्मीर में एक बड़ा गेम सेट कर चुके हैं। मोदी के प्लान के बाद से यहां मुस्लिम देश लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो चुके थे कि ये जल्द ही दुबई बन जाएगा। और दोस्तों इसी से चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और इसी दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती करते हुए पुंछ में कांड कर डाला, जो उसे अब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो अब कश्मीर में हमलावरों की तलाश लगातार हो रही है, स्पेशल कमांडोज एक्टिवेट हैं, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स का दस्ता लगातार सर्च कर रहा है, तो वहीं अब पीओके में बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन इंटेलिजेंस को अब वो जानकारी मिल चुकी है जो पाकिस्तान को फिर से दुनिया के सामने नंगा कर डालेगी, और इसी के चलते उसने एलओसी पर बड़ी तादाद में हथियार और सेना के जवानों को डिप्लॉय कर दिया है। तो वही दोस्तों उनके आर्मी चीफ इस वक्त जिनपिंग से मिलने के लिए चीन भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि भारत इस बार बड़ा कुछ करने वाला है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तानी सेना और उसके गुर्गों के पास चीन से खैरात में मिले अत्याधुनिक हथियार, मोर्टार, हैवी शेल्स और तमाम घातक असलहे भी रिपोर्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के पास से गांवों को खाली करवाना भी शुरू कर दिया है, जो इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ किस कदर फैल चुका है। क्योंकि दोस्तों मोदी बिल्कुल साइलेंट हैं, और साइलेंट ही वायलेंट होकर उनकी लंका जला सकते हैं। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ के उस पार पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा देखा गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के खिलाफ चोरी छिपे ड्रिल भी चला रखी है। एलओसी पर जवानों का जमावड़ा और अत्याधुनिक हथियार इकट्ठे किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने इस काम में हेलीकॉप्टर्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी लगाई हुई हैं। एलओसी से गांव वालों को जबरन निकाल कर गांवों को खाली करवा दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सैन्य छावनी में तब्दील कर डाला है। सेना ने यहां बसे लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इतना नहीं, जो लोग पाकिस्तानी सेना के कहने के बाद भी गांव से नहीं निकले, उन्हें जबरन निकाल दिया गया है। दोस्तों कहा भी जा रहा है कि शांति की आड़ में पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास जैसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी सेना एलओसी से सटे हुए रिहायशी इलाकों से वहां जमे हुए लोगों को जबरन खदेड़ कर अपने बंकर्स और कैंप लगाने में जुटी हुई है। दोस्तों सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना फिलिस्तीनी संगठन हमास की तरह अपनी लोकेशंस तैयार कर रही है, यानी रिहायशी इलाकों के बीच अपनी छावनी तैयार कर रही है, ताकि जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करे तो पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान हो। ऐसा होने पर भारतीय सेना पर पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बनाने की तोहमत इंटरनेशनल लेवल पर मढ़ी जा सकती है। दोस्तों ये साजिश ठीक वैसी ही है जैसे हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष के दौरान देखने को मिली थी। वहां हमास का मास्टरमाइंड ये प्लानिंग कर चुका था। हमास ने अपने अड्डे फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों में ही बना रखे थे, और वहीं से वो इजराइल पर रॉकेट फायर कर रहा था, लेकिन इजराइल ने हमास की नापाक साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन ये कहानी भारत के लिहाज से बेहद गंभीर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त पीओके की जनता भारत के सपोर्ट में खड़ी हो चुकी है। वो खुद कर रही है कि भारत उसे वापस अपने अंदर मिला ले। लिहाजा दोस्तों अब पाकिस्तानी सेना वहां पर एक्टिवेट हो चुकी है, और उसने पुंछ में हमला करके अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है।
और अब दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में कुछ अंडरग्राउंड कंटेनमेंट्स बना लिए हैं। इन एस्टेब्लिशमेंट्स पर ईंधन के साथ ही बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में विध्वंसक हथियारों को भी स्टोर करके रखा गया है। ये हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराए थे, जिनका इस्तेमाल दोनों देशों की सेनाएं छद्म रूप से भारत के खिलाफ करने की साजिश रचती रही हैं। इससे पहले चीनी सेना यानी पीएलए के कई बड़े अधिकारी पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए गुपचुप तरीके से पीओके में आ चुके हैं। दोस्तों पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए हमले में भी चाइना मेड हथियारों का ही इस्तेमाल हुआ है और ये पूरी तरह से चीन की साजिश भी नजर आती है। दोस्तों एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद से ही सीज फायर समझौता हो चुका है और तब से एलओसी पर खामोशी है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी चीफ जो पहले खाड़ी देशों में और उसके बाद चीन के दौरे पर गए हैं, वहां अपने रहम की भीख मांगने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल से एलओसी पर किसी भी स्थिति के मद्देनजर ऑपरेशनल तैयारियों के हाई स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए कहा है। हालांकि दोस्तों इसी बीच एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत पीओके में घुसकर वहां पर तिरंगा लहरा सकता है और मोदी के दिल में कसक है कि पाकिस्तान ने भारत के हिस्से यानी कश्मीर के एक भाग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा करके रखा हुआ है और बार बार भारत के ऊपर आतंकी हमले करता रहता है। लिहाजा अब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद देश को ये कसक दूर करने का इंतजार है, क्योंकि पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों से और उपेक्षा से परेशान होकर बार बार आंदोलन और बगावत कर रहे हैं। पीओके के नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं। वहां के लोग भारत में शामिल होने और पाकिस्तान के जुल्मों से खुद को बचाने के लिए भारत में शामिल होने का आह्वान कर चुके हैं और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि मोदी की चुप्पी दूसरे बालाकोट की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का नेतृत्व टीम मोदी और हिंदुस्तान क्या कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? आखिर क्यों पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग्स दर मीटिंग्स बुला रहे हैं? आखिर किस बात की ओर ये रणनीति इशारा कर रही है? दोस्तों दुनिया कयास लगा रही है कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं और आपको क्या लगता है, कमेंट लिखकर के मुझे जरूर बताएं कि भारत को अब पीओके में क्या कुछ करना चाहिए, हमारे पुंछ के जवानों की शहादत का बदला भारत को किस तरीके से लेना चाहिए। कमेंट करें और जरूर बताएं। जय हिंद।